जय श्री कृष्णा, वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे टेंडर कोकोनट चोकोबार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम एक मिक्सी का जार लेंगे। अब हम इसमें एक कप ठंडा दूध डालेंगे। एक कप मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें एक कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। मैंने यहाँ पर ये घर की मलाई यूज की है। इसकी जगह पर अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ऊपर का ये गाढ़ा वाला क्रीम का पार्ट है वो ही यूज करना है, पतला वाला क्रीम यूज नहीं करना है। अब हम इसमें हाफ कप से ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून जितनी शक्कर डाली है वो डाल देंगे। हमें सभी चीजें एक कप के नाप से ही लेनी है। अब हम इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेंडर कोकोनट की मलाई ली हुई है वो डाल देंगे। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से ब्लाइंड कर लेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ही ब्लाइंड करना है। अभी ये अच्छे से ब्लेंड होकर स्मूथ हो गया है। अभी हमने यहाँ पर ये कुल्फी बनाने का सिलिकॉन मोल्ड लिया हुआ है। अब हम इसमें हमारे आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। अब हम इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक्स है वो रख देंगे। अब हम इसे फ्रीजर में 6 से 8 घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी आइसक्रीम है वो अच्छे से सेट हो गई है, तब हम इसे निकाल लेंगे। अभी हमने यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें हमारी टेंडर कोकोनट कुल्फी को डिप करेंगे। इसको इसे बाहर निकाल के उसकी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे निकल जाने देंगे। इसकी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो अच्छे से निकल गई है। अब हम इसे एक सिल्वर पेपर के ऊपर रख देंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी टेंडर कोकोनट कुल्फी बनकर तैयार है।